Lions Club International District 322F presents the Lions Talk Show, an initiative taken by Lions Club of Blazing Aces, supported by Dream Studio, concept by MJF Lion, Arihant Rakhecha. Hello and welcome back, viewers, to another exciting episode of the Lions Talk Show. Today we have a very special guest with us. He was a finalist of Zee Bangla Saregamapa show in the year 2007. And also was a finalist in a reality show, Chak De, in 2008. He has also participated in Sony X Factor. He has the experience of singing in Akashvani and Doordarshan, and has also grabbed the award of the Best Rising Star of the Nations Award in Bengal's Youth Award. He has been working with many playback singers of Bollywood like Alka Yagnik, Kavita Krishnamurti, Anuradha Padwal, and Kumar Sanuji. So let's welcome Mr. Abhishek Sinha Chaudhary. We welcome you, sir, to our Lions Talk Show. Hi, Govind. Yeah, hi. Hi, hello, everyone. So, sir, how are you? And please share your journey with as an artist. How did it all start? Kahan se ye shuruaat kahan se hui? Thank you, Govind. First of all, मैं सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा शोज यहाँ पे हो रहा है और आप सब इसको देख रहे हो. थैंक यू सो वेरी मच. कोविड के कारण तो सब हम लोग 7-8 महीने बिल्कुल सब घर में ही थे और लॉकडाउन चल रहा था, बट अभी धीरे धीरे करके सब ओपन हो रहे हैं. वी आर न्यू नॉर्मल लाइफ राइट नाउ. जर्नी का बात जब आप बोल रहे हो तो या व्हेन आई वाज 5 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम से मैंने म्यूजिक सीखा हूँ और My father was my first teacher, music teacher. मेरे पापा बहुत अच्छे सिंगर थे. उसके बाद when I was 8, then मुझे क्लासिकल ट्रेनिंग मैंने लिया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एंड कंटिन्यू 10-12 ईयर्स मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा. मुझे वो मतलब म्यूजिक को लेकर मैं आगे जाऊंगा वैसा कोई प्लानिंग नहीं था उस टाइम में, बिकॉज आई लव हायर एजुकेशन. आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी. तो एक टाइम में ऐसा हो गया था जब मैं मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था, फाइनल ईयर एग्जाम दे रहा था, उस टाइम में मेरे पापा हैज गॉट पैनक्रेटिक कैंसर और मतलब 4 महीने के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया. तो दैट टाइम मतलब वो जो सिचुएशन था वो बहुत ही एक हार्ड सिचुएशन था हमारे लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बाद रियलिटी शो के प्रमोशंस आने लगे टीवी पे सारेगामापा के जी. और क्योंकि पापा के बहुत वो मतलब मन था कि मैं सिंगिंग में जाऊं आगे जाए. या डेफिनेटली. तो मेरे घर से बहुत उस चीज़ को लेकर मुझे बोला गया कि आप जाओ, क्योंकि पापा का वो मन था, एक ड्रीम था. तो इसलिए मैंने गया ऑडिशंस में, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ जी. उसके बाद से ग्रैंड ऑडिशन हुआ, वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ. उसके बाद से टीवी में मतलब एपिसोड आने लगा एंड आई वाज द फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामापा. एंड आफ्टर दैट मतलब मेरा लाइफ बिल्कुल वो चेंज हो गया. मतलब मैं मुझे जाना था हायर एजुकेशन में और वहाँ से मैं आ गया बिल्कुल सिंगिंग में और म्यूजिक में. एंड रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई मीन सिंगिंग एंड म्यूजिक प्रोफेशन जिनके लिए आज मैं मतलब अब जो मुझे जो कुछ भी मिला है ये म्यूजिक से ही मिला है. तो अबाउट 21 कंट्री में घूम चुका हूँ, मतलब कंसर्ट कर चुका हूँ और देखते हैं आगे. मेरा मन है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमूँ ये म्यूजिक के लिए, म्यूजिक को लेकर प्रमोट करें. या प्रमोट करें ऑब्वियसली इंडियन म्यूजिक इंडियन कल्चर को जी. Who has been your inspiration and your support during your difficult time as a singer? Obviously, my dad is my inspiration. First inspiration. Yeah. Obviously. Unko dekh ke hi main music sikha hua. Ji. Aur jab tak strength ka baat karoge, so main zarur ye bolna chahunga ki family support ke bina ye kabhi bhi possible nahi hota ki main aaj itna dur tak main jaun music ko lekar. इसमें मेरी वाइफ और मेरी माँ और भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया म्यूज़िक के लिए. कभी भी मुझे सोचना नहीं पड़ा उस डिफ़िकल्ट टाइम में कि नहीं मैं क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ऐसे जो आपको मैंने पहले ही कहा कि जो सिचुएशंस आ गए थे, हर्डल्स आ गए थे हमारे लाइफ में,
तो उसमें अगर मैं डूब जाता हूँ या मतलब उसमें ही मैं शायद उसमें ही खो जाता है तो कुछ हो नहीं पाता उस टाइम में. तो फैमिली सपोर्ट उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा मिला और मैं म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ता रहा इस हिसाब से. यू नेवर हैड टू लुक बैक बिकॉज ऑफ योर फैमिली सपोर्ट, जो उन्होंने सपोर्ट दिया आपको, इसलिए आज आप इस मुकाम तक पहुंचे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो फुल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय वाइफ, माय मॉम एंड माय ब्रदर, यंगर ब्रदर. तो यही है. बाकी तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे, हाँ मुझे मतलब स्कूल लेवल का जो फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली वही फ्रेंड्स रह जाते हैं, मतलब एकदम आखिर तक प्योर फ्रेंडशिप होते हैं जिसको बोलते हैं. तो वो लोग कोई मतलब नहीं होता है, कोई वांट्स नहीं होते हैं. यस यस. तो बहुत मुझे सपोर्ट किया उस टाइम में जब मैं सारेगामा में था. तो मुझको लेकर मतलब जगह जगह पे जाना, प्रमोशंस करना, उस टाइम में तो वोटिंग वगैरह सब कुछ होता था, तो वो सब लेकर बहुत किया उन लोगों ने. तो इसलिए मैं उन लोगों से सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए ये लोग इतने सारे, इतने आगे सोचे, इतना सोचे मेरे लिए. तो दे ऑल आर माय स्ट्रेंथ, आई वुड लाइक टू से. We cannot let you go without any song. So, any song for our viewers, we would request you to please. Yeah, obviously, sing. Definitely. Yeah, I'm here, yeah. So definitely I'm singing. Okay, the song is very close to my heart. और मुझे बहुत अच्छा लगता है semi-classical and classical oriented गाने को, गाने में. So this song, sang by Shafaqat Ali Khan. जी. Nire ghar nidar nire ghar Par ghar nidar nire ghar Madani ni madani sa nidar Par ghar nidar nire ghar nire sa सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना. That was very very beautifully thank you sung by you. Thank you so much. Thank you. We would request one more any Bengali song, any Bengali song, any two Bengali lines please. Song. Okay, so there's a very famous singer in Bengali named Nachiketa Chakraborty. Ji. So, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गाना गाने. There's another song. Srabono ghanai dunayone, Srabono ghanai dunayone, Akashero mato akhi মগনো বুড়ি শানে, শ্রাবণ ঘনায় দুনয়নে, শ্রাবণ ঘনায় বিষাদ বিধুর আঁখি মানে না তোমারা, অধীর আকাশ আজ ছাড়ালো সীমানা, ঝোড়ো হাওয়া দিয়ে যায়, ঝোড়ো হাওয়া দিয়ে যায়, তারি মন কোণে শ্রাবণ ঘনায় দুনয়নে, শ্রাবণ ঘনায় শ্রাবণ ঘনায় শ্রাবণ ঘনায়. Thank you so thank much. You, thank you so you. much.
as we all know, you have done many shows for Lions, yeah. Lions Club and Lions International. Lions, yeah. Yes. So, how has your experience been, and what would you like to tell about Lions International? I just love to run shows for Lions because एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है लायंस की कि इनका जो सोशल वर्क होते हैं जी बिकॉज मैंने पहले आपको कहा कि आई एम फ्रॉम सोशियोलॉजी फील्ड मैं खुद सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हूँ yes. और सोशल वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आई वाज टू डन लॉट्स ऑफ सोशल वर्क इन कोलकाता एंड आउट ऑफ कोलकाता ऑल्सो तो लायंस का ये जो पार्ट है ये मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है बहुत कनेक्ट करता है एक्चुअली और सिर्फ कोलकाता या बंगाल में भी नहीं ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड में भी उनका पूरा छाए हुए हैं बिल्कुल लायंस एंड रियली थैंक यू सो वेरी मच लायंस में और मतलब क्या बोलूं मैं मेरा बहुत अटैच हो जाता हूं जब भी मैं इस चीज को देखता हूं या कनेक्ट करता हूं तो रियली वेरी गुड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर और मैं चाहूंगा कि आगे भी लायंस के साथ मेरा ये जो रिलेशन है ये चलता रहे और काफी बढ़ते रहे आगे and wish you all the best Lions thank you so much so friends this was Mr. Abhishek Sinha ji who took us to a melodious journey with his singing we would like to thank him once again who took out his valuable time for us and came to our talk show thank you so much Veya. Thank you so much Govind thank you so much all of you जी. thanks a lot aur aasha karte hain fir milenge sabse zarur aayenge fir se aana chahunga yahan pe zarur thank you so much for watching and lots of love thank you so friends stay connected and stay safe we'll be back with another exciting episode of the Lions Talk Show Thank you.